नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में कई कार्यक्रमों में शामिल होने से पहले सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि माफियाओं को संसद विधानसभा में भेजने वाले लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि जिस तरीके से प्रयागराज में घटना हुई है सरकार इस पर कड़ा रुख अपना रही है और 24 घंटे के भीतर सब कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आजमगढ़ के युवा सिपाही संदीप निषाद जो कि गनर थे उनकी हत्या की गई यह बहुत दुखद है। शाम को मंत्री संजय निषाद उनके घर पहुंचेंगे। अनिल राजभर ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर के सपा जिस प्रकार से शोर मचा रही है वो निराधार है। मोदी जी अगर कमजोर व पिछड़ों के हक के लिए जाति की गणना जरूरी समझेंगे तो वह काम करेंगे, इसमें सपा का कोई लेना देना नहीं है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी 80 में से 80 सीटें भाजपा के खाते में जाने का दावा किया और कहा कि पूर्वांचल हमेशा से भाजपा को ताकत देता रहा है। आज आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान समारोह बुलाया है। उसी कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है, उसी कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए आए। ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते हैं कि उन्होंने सम्मान जो दिलाया सुहेलदेव महाराज को उन्होंने ही दिलवाया, जब से नाम लेना शुरू किया पूरे देश में नाम गूंजने लगा। उनको पता नहीं है, जब वो बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर चलते थे उस जमाने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाल बाग के चौराहे पर महाराजा सुहेलदेव का पहली बार उनकी मूर्ति को स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया था। और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक जो हमारा प्रदेश का मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, उसके कार्यालय में सदैव से हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का तैलचित्र लगा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ओबैसी के साथ जाकर सलार मसूद के मजार पर चादर नहीं चढ़ाते, हम दोहरी बात नहीं करते, हम राजनीति के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर को बेचने का काम नहीं करते, ये काम वही करते हैं। और समाज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर डाक टिकट जारी किया, सरकारी दस्तावेजों ने में उनका नाम संरक्षित किया। आज गाजीपुर से लेकर पहली बार 14-15 में मोदी जी की सरकार ने उनके नाम से ट्रेन चलाने का काम किया जो गाजीपुर से चलकर दिल्ली जाने का काम करती है। अभी बहराइच जो महाराजा सुहेलदेव की धरती है, जिस चित्तौरा के मैदान में सैयद सलार मसूद के साथ उनका संग्राम हुआ था, राजभरों का युद्ध हुआ था, उस चित्तौरा के मैदान में उनका भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर बनाया जा रहा है। तो हम तो वो बता दीजिए क्या किया आज तक। लेकिन आप तो 24 में साथ ही लड़ने की बात हो रही है, अब ये हमें नहीं पता है। वो तो बार बार एकदम करीबी सदन में भी आपके समर्थन में बड़ा नारा बुलंद कर, वो तो देख करोड़ रुपया लगाकर बनाया जा रहा है, तो हम तो वो बता दीजिए क्या किया आज तक। लेकिन आप तो 24 में साथ ही लड़ने की बात हो रही है, अब ये हमें नहीं पता है। वो तो बार बार एकदम करीबी सदन में भी आपके समर्थन में बड़ा नारा बुलंद कर, वो तो देखिए मजबूरी है, जनता को जानती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी योगी जी के साथ है जनता। तो राजनीति की दुकान हमारी बंद न हो जाए तो हो सकता है प्रयास हो रहा हो। जिनके साथ थे उनको तो ना पार्टी के नामे भूल गए अखिलेश जी, अब ये भाई उन दोनों लोगों का मामला है आना, दोनों एक चट्टे बट्टे के लोग हैं ये सब, इन लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ वहां भी सिर्फ परिवार की बात होती है, इनके यहाँ भी सिर्फ परिवार की बात होती है।
तब भी ये परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते ना, नहीं पाए और ना ही कभी समाज की बात ये कर सकते हैं, और ना ही कभी महाराजा सुहेलदेव राजभर की बात कर सकते हैं। ये अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए समाज का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इस्तेमाल करते हैं। आपका बार बार आजमगढ़ आगमन हो रहा है और कई नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, आजमगढ़ पर विशेष फोकस है क्या 24 को देखते हैं? नहीं, पूरा पूर्वांचल फोकस है हम लोगों का। आप पूर्वांचल हमेशा से ताकत दिया है भारतीय जनता पार्टी को, पूरे पूर्वांचल में हम सब लोग, पूरे पूर्वांचल का जिम्मा आज संजय निषाद जी देखे आ रहे हैं किस तरह से एक नौजवान की जान हत्यारों ने ले लिया, अपराधियों ने ले लिया आजमगढ़ के नौजवान का, हमारे निषाद समाज के संदीप निषाद का। तो जिस तरह से खुलेआम वहाँ बमबाजी हुई और राइफल से फायरिंग की गई, पिस्टल से फायरिंग की गई, कानून व्यवस्था कोई बचेगा नहीं। और मैं कह रहा हूँ 24 घंटा के अंदर उमेश पाल का कोई हत्यारा नहीं बचेगा। अच्छा सर, जैसे कि वहाँ सदन में जातिगत जनगणना की बात अखिलेश जी बार बार कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ये कहने, मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से है कि जनगणना करा, प्रदेश की कोई सरकार करा सकती है जनगणना? नहीं करा सकती है, ये भारत सरकार का विषय है। आपके सांसद हैं, आप भारत सरकार में बात करिए। आप पार्लियामेंट चली तो एक बार भी आपने नाम नहीं लिया, आपके सांसदों ने नाम नहीं लिया, तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, वो सवाल सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में क्यों उठा रहे हैं? क्यों सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं आप? एक पिछड़े समाज को गुमराह किया, नहीं, एक बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, और दूसरा आजाद हिंदुस्तान में कभी जातीय जनगणना हुई नहीं। अखिलेश यादव वो अधिकृत नहीं है, वो भी समाज को गुमराह कर रहे हैं, एक फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत करके समाज, मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से है कि जनगणना करा, प्रदेश की कोई सरकार करा सकती है जनगणना? नहीं करा सकती है, ये भारत सरकार का विषय है। आपके सांसद हैं, आप भारत सरकार में बात करिए। आप पार्लियामेंट चली तो एक बार भी आपने नाम नहीं लिया, आपके सांसदों ने नाम नहीं लिया, तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, वो सवाल सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में क्यों उठा रहे हैं? क्यों सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं आप? एक पिछड़े समाज को गुमराह किया, नहीं, एक बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, और दूसरा आजाद हिंदुस्तान में कभी जातीय जनगणना हुई नहीं। अखिलेश यादव वो अधिकृत नहीं है, वो भी समाज को गुमराह कर रहे हैं, एक फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत करके समाज को बांटने का प्रयास करेंगे। वो अधिकृत नहीं है, किसी सरकारी दस्तावेज का वो हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार भारत सरकार के पास है, किसी भी प्रदेश सरकार को ये संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। एक बार जाति जनगणना कराया, किसने कराया? अंग्रेजों ने कराया। क्यों कराया? भारत को बांटने के लिए, भारत के कोई समाज को बांटने के लिए। तो ये लोग अंग्रेजों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, आजाद भारत में कभी हुआ हो। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि 2004 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2014 समाजवादी पार्टी के समर्थन से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। 2011 में देश की जनगणना कराई गई, उस समय जाति जनगणना क्यों नहीं करा लिया इन लोगों ने? अगर इन लोगों ने कांग्रेस से अगर कहा करने को, कांग्रेस ने नहीं सुना, तो समर्थन क्यों नहीं वापस ले लिया? तो ये दोहरा चरित्र के लोग हैं, ये दोहरी बात करते हैं, और देश के पिछड़ों, दलितों के सबसे बड़े हितैषी और नेता, पिछड़े समाज में, अति पिछड़े समाज में पैदा होने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी से बड़ा ये नेता नहीं है। अगर दलितों के हित के लिए, पिछड़ों के हित के लिए, कमजोरों के हित के लिए जाति जनगणना कराना अगर जरूरी होगा, तो मोदी जी खुद फैसला लेंगे, इनके सुझाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। खाता खुलेगा इस बार कि नहीं? कोई खाता होता नहीं खोले जा रहा। 80 में 80 भाजपा। और जिस तरह से सदन में बाप तक बात पहुंच गई, योगी जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने उसका काउंटर किया, भाई सही बात तो कही जा रही है। ये कौन है लोग जो सरेआम गोलियां चला रहे हैं, जो कानून को कब्जा करना चाहते हैं? ये कौन है लोग? ऐसे लोगों को जनता को कभी माफ नहीं करना चाहिए, जो माफियाओं को सदन में भेजने का काम करते हैं, जो संरक्षण देने का काम करते हैं। थैंक यू।
माने हरके जी रास्ते में है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।